सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प। और आप सभी का स्वागत है आपकी क्लास में, बाइनोमियल थ्योरम की आपकी नई क्लास। पिछली क्लास में अपन ने क्या सीखा था, मध्य पद निकालना, मिडिल टर्म निकालना सीखा था। उसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे। एक बच्चे का क्वेश्चन था जिसको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, बोल रहा था सर इसमें क्या करना है, अपन को मिडिल टर्म निकालना है, थोड़ा सा हमें दिक्कत है। ठीक है, तो लो भाई आपकी दिक्कत करते हैं दूर और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कैसी दी गई है आपको, 2n। 2n आपका एक इवन नंबर होगा। क्यों होगा इवन नंबर, क्योंकि एन की वैल्यू इसमें आप कुछ भी रख दो, ठीक है, चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कोई भी नंबर रखो, वैल्यू कितनी आएगी, 2 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो, वैल्यू इवन नंबर आएगी। तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो सम संख्या का मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म मतलब मध्य पद। मध्य पद क्या होता है आपका, एन अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, जब इवन नंबर होगा। ठीक, एन की वैल्यू कितनी है, 2n, रखा 2 से 2 कट, एन प्लस 1 टर्म। ठीक है, अब n प्लस 1 टर्म है इसमें। अगर आप देखें, जैसे अपना जब इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर में सॉल्व होता था तो छठवां पद होता था तो r की वैल्यू 5 लेते थे, सातवां पद होता था तो r की वैल्यू 6 लेते थे, दसवां पद होता था तो r की वैल्यू अपन 9 लेते थे, मतलब एक कम वैल्यू लेते थे। तो यहाँ पे n प्लस 1 है, एक कम कर दो, क्या बचा, n। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी होगी अपनी, n होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि r इज इक्वल टू कितना है, n। So, t r प्लस 1 होता है, r की वैल्यू n है, तो t n प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर। एन कितना है, 2n, तो 2n सी एन, x स्क्वायर है, x की वैल्यू 2n माइनस n, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर है, a की वैल्यू n। ठीक है, तो 2n को ओपन किया, फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2n माइनस n इंटू x की पावर, 2n में से n गया, n बचा, 2 का मल्टीप्लाई 2n हो गया, माइनस 1 की पावर n, x स्क्वायर ऊपर गया, x की पावर माइनस 2n, x की पावर 2n, x की पावर 2n, प्लस माइनस हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल हो जाता। ठीक, और x की पावर 0 वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो क्या बचा, 2n ओवर n, 2n माइनस n, n माइनस 1 की पावर n, और x हो गया था 0, तो उसकी वैल्यू हो गई थी, x की पावर 0 तो वैल्यू हो गई थी 1। यही हमारा परम सत्य उत्तर। खत्म। एक और, क्या नहीं आ रहा इसमें, देखो भैया क्वेश्चन है, a अपॉन x प्लस x अपॉन a, अगला पद की पावर 10, के प्रसार में बीच का पद ज्ञात करो, यही लिखा, हाँ मध्य पद, मिडिल टर्म निकालना है। ठीक, मिडिल टर्म का क्वेश्चन देखो जल्दी से, इसका कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म, पहले देखते हैं n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू है भैया 10, और 10 होता है एक सम संख्या, इवन नंबर, क्योंकि इसमें 2 का भाग हो जाता। फिर हमसे साइकिल मांगे हो, x जो को कल चिपक गई 2000 की, एक चली गई, a ओवर x, और a की वैल्यू कितनी है आपकी, x ओवर a, R की वैल्यू भगवान जाने, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है। ठीक, चलो यहां निकालते हैं, मध्य होगा तो आपका मिडिल टर्म कितना होगा। ठीक, मिडिल टर्म आपका होगा इसमें 10 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1, मतलब सिक्स्थ टर्म, और सिक्स्थ टर्म होगा तो R की वैल्यू अब भगवान नहीं जाने, अब हम भी जानते हैं। ठीक, सिक्स्थ टर्म है तो R की वैल्यू 5 हो जाएगी, बस निकाल लो मिडिल टर्म आपका आएगा। कौन सा निकालना है, t r प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, एक्स की पावर n माइनस r, a की पावर r। ठीक, तो t r की वैल्यू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 सी 5, एक्स की वैल्यू a अपॉन x की पावर 10 माइनस 5, x अपॉन a की पावर 5, क्या बात। ठीक, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 5, बात नहीं, इंटू आज 10 माइनस 5 करेंगे, ए की पावर 5, x माइनस 5 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन ए की पावर 5, 5 5 5 5 कैंसिल। ठीक, अब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5, 5 से 5 कैंसिल, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, आंसर 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 14 8 112 की 2,
हासिल 11, 14 एकम 14, 14 एक 15, 15 10 25, 252। उत्तर नहीं आ रहा, आंसर यही आंसर आएगा भाई साहब। नहीं वो गलत है, उनको कहीं से 2 मिल गया होगा, है ना, अपन को नहीं मिल रहा, यही अपना परम सत्य उत्तर हो जाएगा। देखो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें, ठीक 252 ही आएगा। अगर बुक में 126 आ रहा है तो कृपया, हाँ नहीं तो है तो नवीन जी, है ना, तो कृपया आप अपनी बुक में थोड़ा सा चेंज कर लें, इस क्वेश्चन को जरा देख लें, 252 आएगा इसका आंसर, ठीक है। एंड इफ आई एम रॉन्ग सो प्लीज प्रूव इट, ओके, नहीं तो ये अपनी बुक है, इसमें सही है, ये हमारी बुक है, ठीक है। तो भाई आपकी जो बुक है उसमें जरा चेंज कर लो, कहाँ क्यों देखना, देखना 4 2 5 2 3 2 तो कटा, 5 भी कटा, 4 भी कटा, 3 भी कटा, 2 भी कटा, 1 नहीं कटा, तो भैया अपॉन में 1 लिख लो, मैं कर कटा की नहीं देखो, हाँ तो वो बुक में गलत हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 97 जा हो कितना होता है 63 इंटू अगर 4 करेंगे अपन तो 43 जा 12 का 2 कैरी 1 और 46 जा 24 प्लस 1 करेंगे तो 25, 252 ही आएगा, परम सत्य उत्तर है ये, ठीक है। और हमारे परम सत्य उत्तर को गलत नहीं कहना, बुक में गलत हो सकता लेकिन हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब ये नहीं है गलत, ठीक है भैया। तो और कोई, एक और है, बहुत अच्छा नगीन को है, तो जे प्रूफ हो रहा, बस यही प्रूफ कर दो खत्म, नहीं और बताओ, और अगर ये आ भी जाए एग्जाम में तो जब ये आ जाएगा उसके बाद सीधा ये लिख देना, क्योंकि उसकी वैल्यू वो है, हाँ सब हमें से करवा दो, तो पता नहीं कैसे अब क्या करें, बुक में गलत है आपकी, इसमें नगीन प्रकाशन की बुक में थोड़े से क्वेश्चन गलत हैं, कृपया उसको सही कर लें, है ना, बुक अपडेट होनी है क्योंकि अभी हम ही लोग करेंगे उसको, भेजेंगे सॉल्यूशन, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बुक देखो ले ली तो अब रखो अपने पास, ठीक है। तो भाई और कोई क्वेश्चन, हम सोच रहे हमने स्टार्ट ही नहीं किया जब से हम चिल्ला रहे, और ये हाँ आ गया था, कल भी करवाया था हमने, कल एक क्वेश्चन भी तो पूछा था तुम लोगों ने। चलो भाई अब निकालना है अपन को, क्या टाइम कितना हो गया, अभी तो है टाइम, है ना, महत्तम पद निकालना, ठीक आप पढ़ा महत्तम पद, सर बढ़िया निकालते महत्तम पद, नहीं नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन टू ए अपॉन एक्स, फाइंड मैक्सिमम टर्म, हाँ बाइनोमियल खत्म होने वाला है ठीक, फाइंड मैक्सिमम टर्म, तो अपन अभी 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्सपेंशन वाला, एक्स की पावर एन वाला, एनवा पद निकालने वाला, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म निकालने वाला, और एक कर चुके मिडिल टर्म निकालने वाला, 5 टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। और आज अपन को क्या सीखना है, ठीक, और आज अपन को क्या सीखना है, मैक्सिमम टर्म निकालना मतलब महत्तम पद निकालना, ठीक है। तो एक्स प्लस ए के प्रसार में, ठीक, एक्स प्लस ए की पावर एन के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात कीजिए, महत्तम पद ज्ञात कीजिए या मैक्सिमम टर्म फाइंड कीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम टर्म फाइंड करने के लिए देखो
या तो आप क्या करो, दो फॉर्मूले आपके अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आप इसको ऐसे लिख दो, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, टी आर प्लस वन और टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक। क्या होता है महत्तम पद के लिए, टी आर प्लस वन ओवर टी आर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वन, फॉर्मूला याद कर लेना जल्दी से। और या फिर ऐसे नहीं लिखना तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं अपन, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन एन इंटू ए अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक, ओके। तो ये होता है क्या, एक्स प्लस ए की पावर एन के प्रसार में महत्तम पद क्या होता है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन एन इंटू ए अपॉन एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वन। गॉट इट, क्या नहीं आया फॉर्मूला, ठीक है, महत्तम पद का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें अपन को महत्तम पद पता नहीं होगा कि कौन सा है, तो हमें यहां से r की वैल्यू निकालनी है, बाकी n आपको पता होगा x प्लस ए की पावर n के प्रसार में, a हमें पता होगा x प्लस ए में जो a होगा, x हमें पता होगा x प्लस ए की पावर n में जो x होगा, r पता नहीं होगा। सारी वैल्यू रखोगे, रखेंगे r की वैल्यू मिलेगी, जो r की वैल्यू मिलेगी वही वाला पद आपका क्या हो जाएगा, क्लियर। अब देखो एक चीज और, पद हमेशा क्या क्या होगा, हाँ ऐसे ही रहेगा, अभी वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। अब एक चीज और देखो, क्या कि पद जो है हमारा टर्म वो हमेशा एक पूर्णांक होता है, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर होता है। अगर कई बार आपका फ्रैक्शनल आ जाए या पॉइंट में आ जाए तो हम उसमें पूर्णांक वाली संख्या लेंगे, फ्रैक्शनल टर्म को छोड़ देंगे, ठीक है। सपोज दैट कि अपनी आर की वैल्यू आई सिक्स सेवन वाई ओ सॉरी सिक्स टू वाई थ्री, सपोज दैट ये आ गया अपना, ठीक। तो हम इसमें क्या कहेंगे, सीधी सी एक लाइन लिखेंगे, चूंकि पद एक पूर्णांक संख्या होती है, क्या, चूंकि पद एक पूर्णांक संख्या होती है इसलिए r इज इक्वल टू, इंग्लिश में, सिंस, इंग्लिश में बोलेंगे, सिंस टर्म इज अ होल नंबर, बोलते पूर्णांक को ना, नहीं इंटीजर बोलते वैसे, टर्म इज एन इंटीजर वैल्यू, ठीक, इंटीजर वैल्यू, सो आर इज इक्वल टू, फ्रैक्शनल टर्म छोड़ दो, ठीक है, मतलब r की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ठीक है, क्लियर। अगर आपकी नेगेटिव भी होती है तो पद आपका ऐसा तो होता है कि पहला टर्म होगा या तो दूसरा टर्म होगा या तीसरा टर्म होगा या चौथा टर्म होगा, ऐसे बोलेंगे क्या, माइनस पांचवा पद, माइनस फिफ्थ टर्म नहीं बोलते, माइनस सेवनटीन टर्म नहीं बोलते, तो माइनस को फिर वहां पे हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, क्लियर ना, बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक। तो ये चीज अपन लिखेंगे, अगर अपना फ्रैक्शनल नंबर आता है तो बोल देंगे कि जो हमारा टर्म होता है वो एक इंटीजर नंबर होता है, सो हम यहाँ पे फ्रैक्शनल टर्म को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, केवल होल नंबर को ले, ठीक है। आर की वैल्यू जैसी आपको मिलेगी बस महत्तम पद निकाल लेंगे फिर अपन, ठीक है, क्लियर की नहीं। फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला आपको हमेशा ये वाला अप्लाई करेंगे, ये टी आर प्लस वन से आपका आएगा नहीं, ठीक, ये फॉर्मूला अप्लाई करो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करें, हुआ ना, एक क्वेश्चन एग्जांपल देख लो, चले जाओ, छोटा सा एग्जांपल नोट करना है, चलो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक, इसके क्वेश्चन अपन करेंगे कल, ठीक है, कल आपकी मेरी किस्मत और तेरी किस्मत है, ठीक है कि नहीं है, जो कल मेरी किस्मत है तो इन एडवांस मेरी किस्मत, और कल भी, कल क्लास तो रहेगी अपनी, तो कल तो बोलेंगे ही अपन, अरे भैया लो हम नहीं हटेंगे, ठीक है। तो ये महत्तम पद का फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलों को आप अप्लाई करना महत्तम पद में, और कल अपन ग्रेटेस्ट टर्म निकालना सीखेंगे, ठीक है। तब तक सभी को टाटा बाय बाय, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो नए हैं पुराने हैं वो शेयर करें, ठीक है, टाटा।